Hello friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in A.Riwal's classes. Friends, today we are going to have one easy explanation of this poem, My Mother at 66, written by Kamala Das. As you can see, Kamala Das was born on 1934 and she died in 2009. Kamala Das was born in Malabar, Kerala, jo Kerala mein hai. And she is recognized as one of the India's foremost poetess. बहुत अच्छी poetess रही हैं ये India की, ठीक है? Her works are known for their originality. Kamala Das जी ने जो भी poem लिखी, जो भी works लिखे, वो बहुत ही original, बिल्कुल live लिखे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़े हुए थे, right? बिल्कुल we can say the flavor of soil, एक मिट्टी की खुशबू उनके काम से आती है. Kamala Das has published many novels, short stories in English, Malayalam under the name of Madhava Kutti. Let me tell you friends, Kamala Das ka jo pen name hota hai, by that name a writer writes. Ek pen name means with the name that writer writes, wo hota hai pen name. To Kamala Das ji ka jo pen name tha, wo Madhava Kutti tha. Theek hai? Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, other stories. See, she has written many works. अब बात करते हैं इस poem की, तो ये जो poem है, My Mother at 66, ये एक wonderful example है किसका? Human relationship का. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो poem है, एक single sentence में लिखी गई है, single sentence. सिर्फ punctuated commas हैं, otherwise कहीं भी और कोई full stop नहीं मिलेगा आपको. It is quite easy, very simple. ठीक है? तो पोएम में आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो पोएम है, इसका जो मेन रोल एक्चुअली क्या है, वो ये दिखाता है कि किस प्रकार जो आज रिलेशनशिप हैं हमारे पेरेंट्स से, बिकॉज ऑफ यू नो मॉडर्निटी, बिकॉज ऑफ बिजीनेस, पीपल दे रिमेन बिजी जनरली एंड दे डोंट गेट द टाइम टू शेयर टू मीट विद देयर पेरेंट्स. लेकिन यहाँ पर जो कमला दास है, वो अपनी माँ से मिलने के लिए आती है. शी कम्स टू मीट हर मदर. अपनी माँ से मिलके जब वो वापस जाती है, तो वापस जाने के बाद उन्होंने ये पोएम लिखी होगी. सो व्हाट डज सी से हियर, वो कहती क्या है यहाँ पे, चलिए बात करते हैं पोएम के बारे में. ठीक है, लेकिन जैसे कि टाइटल यहाँ पे बता रहा है कि एट द एज ऑफ 66, वी नो वेरी वेल कि एट द एज ऑफ 66 जनरली हम कैसे हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स कैसे हो जाते हैं, ओल्ड रिंकल्ड फेस हो जाता है, काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं, नहीं फेस बिल्कुल पेल हो जाता है, राइट? सो ऐसा कुछ रिंकल्ड फेस, पेल, ये सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा, जनरली वो इल भी रहते हैं, बीमार रहते हैं, है ना? तो लाइक दैट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कमला दास के बारे में, उसकी माँ के बारे में. सी सेज एक्चुअली, राइट? तो चले चलते हैं पोएम की तरफ. द फर्स्ट लाइन सेज हियर, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. सो इन दिस सी, देखिए यहाँ पे कॉमा आया हुआ है, राइट? सेंटेंस इट मीन्स पूरा नहीं हुआ है. आई सो माई मदर बिसाइड मी. सो पोइटिस कमला दास, शी सेज अबाउट हर मदर कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के होम से जब कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब मैं गई, सो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. तो वो एक गाड़ी में जा रहे थे. बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जो सारी पोएम है, वो एक सपोज यहाँ से पोइटिस का घर है और यहाँ पर वो एक एयरपोर्ट हो, और जब ड्यूरिंग दैट ये जो जर्नी थी बीच में, वो कार में जब गए साथ में, तो वो बताई गई है. अब यहाँ से एयरपोर्ट से कमला दास को अपना प्लेन पकड़कर फर्दर अपने घर जाना था, राइट? तो जो भी ड्यूरेशन हुई यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, वो सारे इस पोएम में बताया गया है. सो पोएट सेज हियर, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सो माई मदर बिसाइड मी. जब हम गाड़ी में जा रहे थे, तो पोएट सेज दैट आई सो माई मदर, मैंने देखा मेरी माँ को, जो मेरे बिसाइड मी, बाय द साइड ऑफ. फ्रेंड्स, बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, अगर हम इसके साथ ऐसे लगा देते हैं, इट मीन्स बिसाइड्स, इन एडिशन टू. तो पोएट सेज हियर दैट बिसाइड मी, जो मेरी माँ थी वो मेरे साइड में बैठी हुई थी, आई सो हर. तो कैसी थी वो? डोज, ओपन माउथ. डोज मीन्स होता है जब क्या लेना, मीन्स अ शॉर्ट स्लीप. ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था बिकॉज ऑफ ओल्डनेस. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. अ फेस जो था वो एक येलोइस मटियाले कलर का हो रखा था, मिट्टी कलर का हो रखा था, एशन लाइक जैसा हो रखा था, जैसा कि ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्पस. कॉर्पस जो होती है डेड बॉडी, जो एक डेड बॉडी का होता है, लाश के जैसा होता है. एंड रियलाइज विद पेन, पोएट सेज दैट आई रियलाइज that my mother's age, she is very old and she realized this with pain, right?
Further, she says, chalte aage, that she was as old as she looked, but soon. A person dekha ki dard ho, usse pain ho apni maa ki taraf dekh ke, usse laga that she was as old, wo bilkul boodi hai, jaise ki wo dikh rahi hai, waisi hai wo. But put that thought away and looked out at young trees. Ab now she says that, put that thought away. Ab wo thought, jo uski maa ko dekh kar usse pain hua tha, us thought ko away karne ke liye, dur karne ke liye, she looked at, usne dekha, at young trees. Kiski taraf dekha? Young trees ki taraf. The married children spilling out. Spilling out students means when something comes out with force. तो देखिए यहाँ पे एक literary device है, that means contrast है. Contrast क्या है? एक तरफ तो old age है, right? और दूसरी तरफ क्या है? Childhood है. दूसरी तरफ क्या है? Children. The life start हो रही है. तो it says here that trees sprinting. अच्छा एक और literary device यहाँ पे मैंने आपको बताई contrast है. तो trees sprinting, पेड़ों का भागना. Sprinting होता है तेज चलना. तो क्या कभी पेड़ भागते हैं? दौड़ते हैं कभी? नहीं भागते. तो यहाँ पे पेड़ों को भागना बताया गया है. तो विच लिटरेरी डिवाइस इट इज? इट इज पर्सोनिफिकेशन, राइट? इट इज पर्सोनिफिकेशन. सो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, बच्चे खुश होकर बाहर भाग रहे हैं, कंट्रास्ट हो गया. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योर चेक, अब इसके बाद होता क्या है, वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं. ये सारी बात देखते दिखाते गाड़ी में वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे? एयरपोर्ट पे. अब एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद शी सेज दैट आफ्टर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक होता है ऑब्वियसली आपको पता है. तो सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मीन्स कुछ कदम की दूरी पर, ये यूज हुआ है यार्ड्स, कदम, कुछ दूरी के लिए. तो इट सेज दैट कुछ कदम की दूरी पर जब मैं खड़ी थी वहाँ पे, तो अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन एंड पेल. इट सेज दैट कि मैंने दोबारा फिर देखा अपनी माँ की तरफ, क्योंकि सिक्योरिटी बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक के बाद पोइटस की माँ जो थी वो एक तरफ खड़ी रह जाती है और पोइटस जो है वो अपने प्लेन पकड़ने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है, राइट? सो यहाँ पे कहते हैं आई लुक्ड अगेन, फिर वहाँ खड़े होकर मैं दोबारा फिर देखा एंड मैंने देखा कि वैन एंड पेल, मेरी माँ का चेहरा जो था वो फेडेड था, पेल, पीला पड़ा चेहरा था. कैसा? एज लेट विंटर्स मून. कैसा था? एज लेट विंटर्स मून. अब लेट विंटर्स मून, देखिए यहाँ पे एज आया है, राइट? As और like हम कब लगाते हैं? जब हम compare करते हैं, तुलना करते हैं दो चीज़ों की. तो उसने यहाँ पे अपनी माँ को compare किया किसके साथ? Late winter moon के साथ. So what does it mean? Late winter moon यहाँ पे compare किया, तो here becomes simile. जब हम दो की तुलना करते हैं तो यहाँ पे कौन सी device होती है? Simile हो जाती है. तो कहती है late winter's moon and felt that old family rack. तो अगेन यहाँ पे friends question आता है that she felt, उसने महसूस किया old familiar, वही पुराना एक, वही पुराना पेन, दर्द. कौन सा? जब वो कभी बचपन में अपनी माँ से दूर होती होगी, दूर जाती होगी. सी आगे उसने दिया है माय चाइल्डहुड फियर, वो मेरे बचपन वाला डर. कौन सा? जब वो कभी बचपन में अपनी माँ से दूर होती होगी, जाती होगी. बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा. अब कहती है कि मैंने क्या कहा अपनी माँ को देख के, दैट सी यू सून अम्मा, कि माँ जी सी यू सून, आपको जल्दी में मिलूंगी. आई विल सी यू, आई विल मीट यू. And all I did was smile and smile and smile. और उसने क्या कहा कि मैं, और सिर्फ उसने मुस्कराया. तो यहाँ पे दो लिटरेरी डिवाइस और आते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट. Said see you soon. तो सर सर की साउंड रिपीटेशन है यहाँ पे. तो ये क्या, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड हो तो कौन सी डिवाइस होती है? एलिट्रेशन, राइट? तो एलिट्रेशन डिवाइस है लिटरेरी डिवाइस. आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे और आप साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है? आई सेड सी यू सून अम्मा, तो यहाँ पे एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. अब यहाँ पे सर सर की साउंड तो है बट ये एलिट्रेशन नहीं है. ये यहाँ पे क्या है? द वर्ड रिपीटेशन है. लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हुई? रिपीटेशन की, क्योंकि यहाँ पे वर्ड रिपीट है ना कि साउंड, क्योंकि वहाँ पे तो सर सर सी सून साउंड थी लेकिन यहाँ पे वर्ड रिपीटेड है. इट मीन्स ये रिपीटेशन. रिपीटेशन कब होता है? टू एम्फेसाइज, जब हम बार बार उसी वर्ड को रिपीट करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, उसका जोर डालने के लिए, ठीक है? तो ये यहाँ पे उसने, मैंने सिर्फ मुस्कुराया. अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा सी यू सून अम्मा. सी सैड सी यू सून अम्मा बिकॉज सी डिड नॉट वॉन्ट टू
show any pain and she want to give a kind of a hope to her mother. वो अपनी माँ को एक होप देना चाहती थी, right? और दूसरा smile and smile. अब यहाँ पे smile क्यों किया? Because she wanted to hide her pain. अब वो अपने smile के पीछे अपना pain छिपाना चाहती थी. So this is all about this beautiful poem written by Kamala Das. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी है, so आप इसको further share कर सकते हैं. Next video में हम इसके question answers भी discuss करने वाले हैं. Till then, आप इस poem को पढ़ें और अगर कोई doubt है तो आप comment section में लिख सकते हैं. And if you are new on our channel, you can subscribe it for further update. Till then, thank you. Bye-bye. Have a nice day.